को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। भारत में कोरोना का कहर अपने चरम पर है एवं लॉकडाउन की स्थिति बनी है। साथ ही मुस्लिम समाज का पवित्र रमजान का महीना शुरू है। इसी बात को ध्यान में रख पूर्व परिवहन समिति सभापति एवं समाज सेवक अनवर शेख तथा समाज सेविका जीनत शेख के माध्यम से ऐरोली के विधायक गणेश नाइक एवं पूर्व विधायक संदीप नाइक के मार्गदर्शन के अनुसार तुर्भे स्टोर प्रभाग क्रमांक 69 के गणपति पाड़ा, महावीर कौरी, महात्रे कौरी, डॉक्टर कौरी एवं शांति नगर में 200 मुस्लिम परिवार के बीच 5 प्रकार के फलों का वितरण किया गया। साथ ही जिन 25 से 30 परिवार को अनाज की जरूरत थी उनके बीच अनाज का वितरण किया गया। इसी की अधिक जानकारी समाज सेवक अनवर शेख ने दी। कोरोना वायरस है तो वाढतच चाललेला आहे आणि नवी मुंबईला रेड झोन मध्ये टाकण्यात आलेला आहे, कारण की नवी मुंबईमध्ये कोरोना व्हायरसचे जे रुग्ण आहेत त्याच्यामध्ये वाढ होत चाललेली आहे आणि त्यामध्येच तुर्भे इंद्रनगर येथे कोरोनाचा पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळलेला आहे आणि या कोरोना व्हायरसमध्येच आमचा जे मुस्लिम बांधवांचे जे रमजान महिना आहे तो देखील सुरू झालेला आहे। तर आम्ही आज नाईक माननीय श्री आमदार गणेशजी नाईक साहेब व युवा नेते श्री संदीपजी नाईक साहेब यांच्या सहकार्याने आम्ही आज तुर्भे प्रभाग क्रमांक 69 मध्ये 200 कुटुंबांना 4 ते 5 प्रकारचे फळ आम्ही वाटप केलेले आहे। आगे उन्होंने तुर्भे विभाग की जनता से ऐसा भी अपील किया कि तुर्भे स्थित इंदिरा नगर में कोरोना ग्रस्त मरीज पाया गया है और मरीजों की संख्या ना बढ़े इसलिए घर पर ही रुककर पुलिस एवं महानगर पालिका को सहकार्य करे। आज मैं जे तुर्भे विभाग जे लोग जनता है त्यांना मैं आज विनंती करतो की जर आपल्याला कोरोनाला हरवायचं असेल तर आपल्याला घरी थांबावं लागेल। ज्या प्रकारे आज इंदिरा नगर मध्ये एक रुग्ण आढळलेला आहे तो ती संख्या वाढू नये म्हणून कृपया करून आपण घरीच थांबावं। पोलीस प्रशासन व जे महानगरपालिका प्रशासन आहे त्यांना सहकार्य करावं आणि जी आपली सुरक्षा आहे ती आपल्याच हाती आहे। ब्युरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।